कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने उस गांव में बिजली नहीं होने का भी दावा किया जहां एक दिन पहले यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रमेश के साथ मिलकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। हुड्डा ने कहा कि सरकारी अफसर राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल होने से बचे। उन्होंने चेतावनी देते कहा कि पुलिस ठीक से काम करे, नहीं तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा चरण के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को नूह जिले के मलाब गांव से फिर से शुरू हुई। यात्रा बुधवार को राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई थी। रमेश ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को बृहस्पतिवार सुबह यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अवरोधक लगाए गए और लोगों से कहा गया कि उनके पास यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल रमेश ने दावा किया कि नूह के उस गांव में बिजली नहीं थी जहां यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया था।